5 साल की उम्र में लॉरेंस बिश्नोई ने खाई थी सलमान खान को मारने की कसम। अब एक बार फिर दिया खुला चैलेंज, सलमान की जान बचाने में जुटा पूरा महाराष्ट्र। जाने क्या है इस दुश्मनी की असली वजह। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी से उड़ी सलमान खान की रातों की नींद। कईयों को मौत के घाट उतार चुका है लॉरेंस। जाने सलमान खान पर लॉरेंस के गुस्से के पीछे की कहानी। आखिर क्यों काले हिरण को अपना भगवान मानता है बिश्नोई समाज। 1998 से शुरू हुई दुश्मनी ने फिर पकड़ी रफ्तार। मुंबई से लेकर देश दुनिया तक में मची खलबली। 1998 में मारे गए दो काले हिरणों का मामला एक बार फिर से अभिनेता सलमान खान को परेशान कर रहा है। सलमान खान को लगातार मिल रही धमकियों ने फिर से काले हिरणों की हत्या से जुड़े विवाद को उजागर कर दिया है। दरअसल 1998 में अभिनेता सलमान खान पर हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर के पास दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगाया गया था। इस घटना ने बिश्नोई समुदाय को बेहद नाराज कर दिया था, जो काले हिरण की पूजा करते हैं, और उन्होंने सलमान खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तो उस वक्त शायद 5 साल से ज्यादा का नहीं था, लेकिन सलमान खान से बदला लेने की कसम खाई थी। इस पर बहस हो सकती है कि क्या काले हिरण की हत्या सलमान के प्रति लॉरेंस की दुश्मनी का मुख्य कारण है, या वो अपनी छवि बनाने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन बिश्नोई समुदाय का काले हिरण और शिकारा से गहरा संबंध है। सिर्फ काले हिरण और शिकारा ही नहीं, बिश्नोई समुदाय शिकारियों और लगड़हारों से वन जीवों और वनस्पतियों की रक्षा के लिए भी जाना जाता है। ये रिश्ता 550 साल पुराना है। बिश्नोई समुदाय की स्थापना गुरु जम्भेश्वर ने 15वीं शताब्दी में की थी, जो 29 सिद्धांतों पर आधारित है। उनकी शिक्षाएं वन्य जीवों और वनस्पतियों की सुरक्षा पर जोर देती है। बिश्नोई दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों से एक काले हिरण को गुरु जम्भेश्वर के अवतार के रूप में पूछता है। 2018 में समुदाय के सदस्य राम स्वरूप ने इंडिया टुडे को बताया था, बिश्नोई कोई धर्म नहीं है, बल्कि गुरु जम्भेश्वर के 29 सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने का एक तरीका है। सिद्धांतों में से एक पेड़ों और जानवर की रक्षा करने का है। हम जानवर की रक्षा के लिए मरने को तैयार रहते हैं। लोक कथाओं के अनुसार गुरु जम्भाजी ने अपने अनुयायियों से कहा था कि काले हिरण को उनका अवतार मानकर उनकी पूजा करना चाहिए। बिश्नोइयों ने पेड़ों और जानवर की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान भी दिया था। बिश्नोई महिलाएं विशेष रूप से उन हिरणों का ख्याल रखती है जो अपने झुंड से बिछड़ जाते हैं। उन जानवरों की देखभाल उनके लिए न सिर्फ धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि उनकी दिनचर्या का हिस्सा भी है। 1998 से चल रहे इस कानूनी मामले ने समुदाय के आदर्शों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की धमकी दी है, लेकिन ये गैंगस्टर के निजी इरादों पर सवाल खड़े करता है। वैसे आपके इस विषय में क्या राय है, आप हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा कि ये चीजें कितनी हद तक सही है।